असल दोस्तों कैसे आप सब अच्छा आज जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एलेवन इसमें क्या कह रहे हैं एन ओपन कोन हैज़ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस टेन सेंटीमीटर एंड स्लान हाइट ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर ड्रॉ द नेट ऑफ द कोन एंड लेबल इट्स डायमेंशन तो ये मैंने ड्रॉ पहले से कर दिया है ठीक है अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग इसको स्टेप बाई स्टेप देखें सबसे पहले हमने क्या करना चाहिए हम इधर लिखेंगे सरकम सेकम ऑफ बेस ऑफ कोन इज इक्वल टू टू पाई आर ठीक है सबसे पहले हम ये लिखेंगे अब यहाँ पे टू मल्टीप्लाई बाय पाई एन टू रेडिस आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है वो है टेन सेंटीमीटर ठीक है ना तो वो हमने लिख लेना है अच्छा जी इससे क्या आएगा जी ट्वेंटी पाई सेंटीमीटर अच्छा जी अब हमने क्या करना है अब हमने जी आ, यहां पे लिखना है अब ऑब्जर्व दैट जो हमने ऑब्जर्व किया है ऑब्जर्व दैट जो हाइट है ठीक है उसको हमने सेकम्फेरेंस सेकमफेरेंस ऑफ कोन ठीक है इज़ इक्वल टू नाउ ट्वेंटी ठीक है ये ऑलरेडी हाँ गिवन है स्लॉट हाइट गिवन है क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय सर ऑफ़ कौन ये हमने भी फाइंड किया 20 है ट्वेंटी पाए ठीक है अच्छा जी अब हमने क्या करना है इसमें ट्वेंटी और ट्वेंटी कट जाएगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा वन बाय पाए रह जाएगा ठीक है अब जब वन बाय पाए रह जाएगा आपके पास तो अब हमने क्या करना है जी यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे वन बाइक इसको हम तरह लिखेंगे ठीक है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं अब गौर से देखें इसको ठीक है क्वेश्चन को वन बाई टू इन टू वन बाय टू ठीक है अच्छा अब हमने क्या करना है यहां पे हम लिखेंगे द नेट ऑफ द कोन द नेट ऑफ द कोन इज अ सेमी सर्कल वेयर द स्लांट हाइट वेयर द स्लांट हाइट इज द रेडियस इज द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल ठीक है तो यहां पर आपका आंसर कंप्लीट हो गया है और ये आपने फिर डायग्राम बना लेनी है क्लियर तो ये आपका फर्स्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर अलेवन हो गया अब जी हम क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ जाते ट्वेल्व uh, की तरफ जाते हैं इसमें क्या कह रहे हैं द सेमी सर्कल शोन इज फोल्डेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर कोन सो दैट द आर्क द आर्क पी क्यू बिकम्स देंस ऑफ द बेस अब यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है फिगर ठीक है अच्छा गिवन क्या करना है गिवन दैट गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल पी क्यू इज टेन सेंटीमीटर फाइंड वट डायमीटर ऑफ द बेस एंड कर्व सर्फिस एरिया ऑफ द कोन अच्छा जी अब हमने क्या करना है सिंपली <coughs> हम यहाँ पे यहाँ लिखेंगे uh, जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये क्या है जी लेट द डायमीटर लेट द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल Of the semicircle B D centimeter and the diameter, the diameter of the base, the diameter of the base of the cone. बी डी सेंटीमीटर नाउ सर्कम्फेरेंस सर्कम्फेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू बाई डी ठीक है क्योंकि ये हाफ है वैसे तो नॉर्मली जो सर्कमफेन्स ऑफ सर्कल होता है ठीक है वो टू पाई आर होता टू पाई आर होता है या पाई डी होता है ठीक है ये हाफ है तो इसलिए आ, वन बाई टू होगा अच्छा इससे क्या आएगा जी वन बाई टू इन पाई इंटू टेन इससे आ जाएगा जी फाइव पाई सेंटीमीटर अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ कोन ऑफ़ बेस ऑफ कोन ज़ इक्वल टू फाइव पाई सेंटीमीटर सो दिस विल बी पाई डी इक्वल टू फाइव पाए ठीक है क्योंकि सर कफे बेस ऑफ अकोन इज पाई डी टू पाई आर अच्छा पाए और पाए आपस में कट जाएगा तो डी डी विल भी इक्वल टू फाइव ठीक है अच्छा यहाँ पर आपके पास ये आ गया फर्स्ट <coughs> मतलब ये ऊपर वाला जो आ, हमने किया है ना कि लेट द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल बी डी अब इसको डी वन कह सकते हो और इसको आप डी टू कह सकते हो ठीक है अच्छा जी तो यहाँ पे आपने अभी क्या किया फर्स्ट डायमीटर फाइंड हो गया ठीक है अब हमने क्या करना है इधर हम लिख सकते हैं नॉर्मली यहाँ पे आप लिख लो इसको ताकि क्लियर हो जाए द डायमीटर ऑफ द बेस द डायमीटर ऑफ द बेस द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन द कोन इज फाइव सेंटीमीटर ठीक है अच्छा अब हमने क्या करना है सेकेंड पार्ट जो है इसमें लिखे कर्व सर्फिस एरिया ऑफ द कॉन हमने फाइंड करना है तो अब हम इसको फाइंड करते हैं तो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ द कोन इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाई टू अच्छा इससे टू पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक है ये भी ऑलरेडी जो है हमने जो नीचे फाइंड किया हुआ है उसी को हमने हाफ कर दिया है ठीक है ना तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी स्लॉट हाइट स्लॉन्ट हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू टेन डिवाइडेड बाय टू ठीक है ये आपके पास आ जाएगा फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो अब हमने लिखना है कर्व सरफेस एरिया आप जो इस क्वेश्चन की फिगर है उसको देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी हम क्या कर रहे हैं कर्व एस डॉट ए मतलब सर्फिस एरिया कर्व सर्फिस एरिया ऑफ द कोन इक्वल टू पाई आर एल ठीक है अच्छा पाई इन टू टू पॉइंट फाइव इंटू फाइव अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है जी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक है और इसको जब सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू डाल दोगे तो आपका Uh, जो है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर जो है हम लिख रहे हैं थर्टी नाइन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मैं इसका आंसर ला रहा हूँ तो ये इसका कर्व सर्फिस एरिया ऑफ द कोन हो जाएगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी तो इन नेक्स्ट वीडियो में मैं नाइन सी स्टार्ट करूँगा